जागरण पब्लिक स्कूल के छात्र राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी और मंचस्थ अन्य महानुभावों से और प्रथम नागरिक श्रीमती सविता कोविंद जी से आग्रह करता हूं कि वो दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। बहुत धन्यवाद। अब मैं दैनिक जागरण प्रकाशन लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक श्री महेंद्र मोहन गुप्त जी से आग्रह करता हूं कि वो औपचारिक स्वागत भाषण और जागरण फोरम के अवधारणा के बारे में अपना उद्बोधन करें। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी, दैनिक जागरण के प्रधान संपादक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय गुप्त व सभागार में उपस्थित देवियों सज्जनों पत्रकार बंधुओं समस्त अधिकारीगण, राष्ट्रपति जी के अनेक दायित्व होते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने समय निकाला और आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैं आप सभी लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालकर आप यहाँ पर आए। राष्ट्रपति जी का सौम्य स्वभाव और सरलता अनुकरणीय है। मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से विगत 20 वर्षों में अनेकों बार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है और हमेशा वो हमारे मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। राष्ट्रपति जी, आपका धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी में आयोजित हो रहे इस फोरम में हम आदर
अभिनंदन करते हैं और आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायक है। काशी में सामाजिक, सामयिक और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के विशिष्ट अर्थ हैं, क्योंकि यह नगरी न सिर्फ शाश्वत है बल्कि जीवंत भी है, अपितु संपूर्ण भारतीय संस्कृति का सार तत्व भी समाहित किए हुए। काशी की जीवन परंपरा में मानवीय मूल्यों को आत्मसात किया, इसीलिए दैनिक जागरण माँ गंगा, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर वैचारिक संवाद की श्रृंखला यहाँ से आरंभ कर रहा है। वस्तुतः दैनिक जागरण ने जिन सरोकारों को अपना ध्येय बनाया है उनका सामाजिक अस्तित्व संवाद पर ही टिका हुआ है। पिछले दो दशकों से जागरण पूरे देश में जगह जगह फोरम व अन्य कार्यक्रमों से प्रबुद्ध जनों के बीच सामयिक व ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करता रहा है और इसके परिणाम भी अत्यंत सार्थक रूप में आपके सामने आए हैं। हमारी विचार मीमांसा में माँ गंगा का निर्मलीकरण एक प्रमुख विषय रहा है और आज हम इस बात पर विशेष संतोष व्यक्त कर सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों ने भी इस दिशा में गंभीर कदम उठाए और माँ गंगा को केंद्र में रखते हुए विकास की नूतन दृष्टि विकसित हुई है। हम गंगा के सहारे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश का समर्थ भविष्य देख रहे हैं, इसमें भारतीय संस्कृति अपनी पूरी आत्मा के साथ जीवंत नजर आएगी। वस्तुतः नदियां हमारी जीवन रेखा हैं और इनका निरंतर प्रवाह ही हमारी संस्कृति की धारा को भी निरंतर प्रवाहमान बनाए रखेगा। कहते हैं कि सभी तीर्थ एवं पवित्र क्षेत्रों का उद्गम काशी से होता है, काशी में ही इनका निरंतर वास माना जाता है। यहाँ विभिन्न संप्रदायों की प्राचीन उपासना पद्धतियाँ समाज को चेतन करती हैं। इस जागृत नगरी से यदि पर्यावरण संरक्षण का संदेश गूंजेगा तो पूरे विश्व तक पहुँचेगा। पर्यावरण दैनिक जागरण के सरोकारों में शामिल है और इसके प्रति जन जागरूकता के लिए अनवरत प्रयास जारी है। राष्ट्रपति जी, अंत में मैं एक बार फिर से आपके आगमन के लिए जागरण परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी विभूतियों और काशी व प्रयागवासियों के आभार का भी आभार है कि आप हमारे इस अभियान में सहभागी बने। एक बार फिर बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी माँ गंगा, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति का संरक्षण करते हुए अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में सफल हों। आप सबका सहयोग मिले और मार्गदर्शन मिले ताकि हम लोग अपने इस देश में सफल होकर अपने देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने में आगे। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेंद्र मोहन गुप्त जी, दैनिक जागरण के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक। अब मैं दैनिक जागरण के आदरणीय प्रधान संपादक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजय गुप्त जी से आग्रह करूंगा कि वो राष्ट्रपति जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका औपचारिक स्वागत करें। अब मैं आदरणीय संजय गुप्त जी से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रथम महिला नागरिक श्रीमती सविता कोविंद जी का स्वागत करें औपचारिक रूप से। बहुत धन्यवाद संजय जी। अब समय आ गया है कि हम सब लोग माननीय राष्ट्रपति का उद्बोधन सुने। आज का विषय है गंगा, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति। मैं माननीय राष्ट्रपति
श्री रामनाथ कोविंद जी से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि वो अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। माननीय राष्ट्रपति, इस जागरण फोरम में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, दैनिक जागरण समूह के चेयरमैन श्री महेंद्र मोहन गुप्त जी, प्रमुख संपादक श्री संजय गुप्त जी, गणमान्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, आज इस कार्यक्रम में आने पर मुझे लगभग 10 मिनट की देरी, लेकिन मैं संजय जी से पूछ रहा था कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भी जो है लगभग 1 वर्ष की देरी। इस कार्यक्रम की कल्पना हम लोगों ने पिछले वर्ष की थी, स्थान भी तय हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना महामारी के कारण वो सभी कार्यक्रम स्थगित होते गए। और सचमुच में देखा जाए तो ये विश्वव्यापी महामारी के कारण जो विकास पथ पर या विकास की यात्राएं हैं मानव समाज की, उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा, वो भी बहुत पीछे। लेकिन कोरोना भी गया नहीं, सावधान भी हम सबको रहना है। महेंद्र मोहन जी और इस दैनिक जागरण परिवार से मेरा बरसों का सम्मान है, इसलिए नहीं कि मैं कानपुर का हूँ, बल्कि अन्य कई कारण। स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी जब मैं राज्यसभा में था तो मेरे सहयोगी, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और सही मायने में जब हम कानपुर से दिल्ली के लिए जब हम दोनों लोग चलते थे, लखनऊ शताब्दी चलती है, उन दिनों में बात कर रहा हूँ, आज भी है, तो उस समय इसका अराइवल टाइम लखनऊ से चल करके कानपुर में लगभग 5 बजे, 5 बजे डिपार्चर। तो नरेंद्र मोहन जी जब आते थे तो अपना टिफिन लाते, और मुझे कभी भी आज तक जब भी उन्होंने साथ में ट्रैवल किया है तो मुझे ट्रेन के खाने से हमेशा वंचित रखा, आग्रहपूर्वक। कोविंद जी आज रात्रि का भोजन आप हमारे साथ ही करेंगे, और मुझे टिफिन दिखाते थे तो मैं कहता था आप अपने भी लाए हो ना, कह रहे नहीं नहीं मैं कई लोगों के लाया हूँ, उनमें आप भी, उनसे बराबर सब। राज्यसभा में हम एक दूसरे के सहयोगी रहे, एक दूसरे से सीखा, बल्कि मैं कहूँगा कि मैंने उनसे अधिक सीखा। और एक बड़ा एक जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ और वो जिस पृष्ठभूमि से निकले उसमें जमीन आसमान का, मैं ग्रामीण परिवेश से निकल करके आया, और वो एक साधन संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे और वहाँ से आगे बढ़े। एक चीज जो उन्होंने मुझे दी वो मुझे याद करता हूँ। कभी कभी हम कहते थे जब हम लोग राज्यसभा मिलते थे तो मुझे प्रातः जब बैठके होती थी उसमें कहते थे कि कोविंद जी आज हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो मैंने कहा भाई एक प्रोटोकॉल होता है, मर्यादा होती है प्रधानमंत्री जी की, आपने समय लिया है क्या? कहते नहीं समय नहीं लिया है, हम लोग चांस लेते हैं, आप चलिए हमारे साथ। मैंने कहा मुझे क्यों लेके चल रहे हो? कहते नहीं एक से दो भले होते, तो मुझे ले जाते थे प्रधानमंत्री कार्यालय में ले गए। एक लिखा नरेंद्र मोहन गुप्त,
रामनाथ कोविंद दोनों की स्लिप अंदर भेज दी, प्रधानमंत्री जी बैठे हुए तो बुला लेते थे, नहीं होते थे तो लोग कहते थे नहीं आज हो पाएगी मुलाकात, नहीं हो पाएगी तो कल होगी। तो मैं उनको ये कहता था, हाँ वो मुझे कहते थे, मैं कहता था कि आप बार बार प्रधानमंत्री जी से क्यों मिलने की बात करते, तो कहते थे कि देखो मैंने एक बात और पूछा, आपको संकोच नहीं लगता है बार बार प्रधानमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने का? तो उन्होंने कहा कि कोविंद जी वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, हम दोनों बराबर हुए, फिर किस बात का संकोच, किस बात का? वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, मैं देश का नागरिक हूँ। ये उनकी जो सोच थी उस सोच को मैं आज भी याद करता हूँ कि उससे व्यक्ति का जो मनोबल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको कितना ऊपर किया। महेंद्र मोहन जी, इस पूरे परिवार से मेरा संबंध रहा और ये केवल कारण नहीं है जिसके कारण मैं इस मीडिया समूह के कार्यक्रम में आया। ये महेंद्र मोहन जी जब मैं राज्यसभा का सांसद था, ये भी थे सांसद, यद्यप हम दोनों अलग अलग पार्टी से, लेकिन पड़ोसी साउथ अर्बन में मैं 53 और 55 में रहता था और भाई साहब जो है वो 57 में रहे, जिसमें कि मैं, मेरा राज्यसभा का कार्यकाल पहले बीत चुका था उसमें वो आता था। इस प्रकार का एक जो जुड़ाव रहा है वर्षों तक का और उसके पश्चात, और वो संबंध जो है उसको इन लोगों ने भी निभाया और मैं भी प्रयास करता रहता हूँ कि मैं भी निभा सकूँ। ये जो पारस्परिक संबंध व्यक्तियों के होते हैं वो उसकी एक अनूठी कहानी होती है, उसका एक अलग से संयोग होता है, उसकी अलग से केमिस्ट्री होती है, और ये आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाती है और क्या से क्या आपको बना देती है और क्या से क्या सीखने को मजबूर करती है। इस पृष्ठभूमि में मैं अब अपनी बात शुरू करता हूँ। अपनी इस यात्रा के दौरान मुझे बाबा विश्वनाथ के दिव्य दर्शन का सौभाग्य मिला। सही मायने में वाराणसी या बनारस हम कहें, उसकी पहचान ही जो है वो बाबा विश्वनाथ से होती है। माँ गंगा की संध्या आरती में भाग लेने का अवसर भी मिला। बाबा विश्वनाथ से सभी देशवासियों से मैंने स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं स्वयं को कृतार्थ अनुभव कर रहा। पिछले बृहस्पतिवार के दिन पूरे देश भर में और पूरे या यूं कहें पूरे विश्व में श्रद्धालुओं ने महाशिवरात्रि का पर्व मनाया। हम सब जानते हैं कि शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। मुझे बताया गया है कि बनारस में एक और अनूठी परंपरा है। यहाँ परंपराएं बहुत हैं लेकिन मैं केवल एक परंपरा का उल्लेख करना चाहता हूँ। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव जी की बारात निकलती है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। उसकी विशेषता ये है, शिव जी की बारात एक समावेशी समूह की कल्पना पर आधारित है। प्रायः जब किसी की बारात निकलती है तो उसी वर्ग या उसी समुदाय के लोग एकत्रित होकर के बारात के प्रोसेशन में भागीदार बनते हैं, लेकिन शिव की बारात वो जो कल्पना व सामो आपकी समावेशी कल्पना है उस कल्पना पर आधारित, और समाज के हर वर्ग के लोग उनको लगता है कि ये शिव जी की बारात जो है वो अपने ही इसमें अपने परिवार का ही शिव जी जो बने हैं वो अपने परिवार का ही दूल्हा है। हर कोई अपने को शिव से जोड़ता है। उस बारात में शामिल होने के लिए साज सज्जा की आवश्यकता भी नहीं होती, ये सहजता ही बनारस को दूसरे शहरों से अलग करती है।
मेरा मानना है कि जिस विषय पर हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, आज से प्रारंभ होने वाला है, मेरा मानना है कि गंगा और हमारी संस्कृति एक दूसरे पर आधारित है, इनको अलग नहीं किया जा सकता, एक दूसरे के पूरक हैं, या यूं हम कहें कि एक दूसरे का अस्तित्व तो एक दूसरे पर निर्भर है। इसी मां गंगा का शुद्ध होना हमारे पर्यावरण की स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। परसों गंगा आरती में हम सब ने गंगा की स्वच्छता के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प भी किया। गंगा पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हमारे देश के विकास का आधार है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर, जिसको हम कहें कि सामाजिक सरोकार से संबंधित विषय, उस पर चर्चा का आयोजन बहुत ही प्रासंगिक है, सार्थक है और उपयोगी। इस विषय पर गहन मंथन निरंतर होते रहे। एक मंथन से काम नहीं चलने वाला, निरंतरता। यदि गंगा की निरंतरता को हम देखेंगे तो उस पर हमारी उसकी निर्मलता अविरलता को बनाए रखने के लिए भी हमारी जो चिंतन है, मनन है, वो भी निरंतर होते रहने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मंथनों से निकले अमृत से जन जन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इस आयोजन के लिए निरंतर अस्तित्व वाली विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी से बेहतर कोई और स्थान नहीं हो सकता। अतः इस चर्चा को काशी में आयोजित करने के लिए मैं जागरण समूह की सराहना करता हूँ। देवी और सज्जनों, मैं स्वयं को भी माँ गंगा की करोड़ों संतानों में से अपने को एक मानता हूँ। मेरा जन्म गंगा के किनारे बसे कानपुर देहात के एक गांव में हुआ। मेरा बचपन, छात्र जीवन और युवावस्था सभी गंगा के सानिध्य में ही बीते। मुझे गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री की यात्रा करने का भी सौभाग्य मिला और यहाँ तक कि सन 2006 में मुझे कैलाश मानसरोवर की यात्रा का सुअवसर मिला, जिसे एक प्रचलित लोक मान्यता के अनुसार गंगा का अदृश्य उद्गम स्थल भी माना जाता है। लेकिन यह हमारा सानिध्य, गंगा के साथ जो हमारा सानिध्य मेरा व्यक्तिगत, वो समाप्त यहीं पर समाप्त नहीं होता है। बिहार का जब मैं राज्यपाल था, उसकी जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो वहाँ भी माँ गंगा के अंचल में काम करने का अवसर मिला लगभग 2 वर्षों तक। राज्यसभा का जब मैं सांसद था तो उस समय हरिद्वार में गंगा के किनारे स्थित कुष्ठ रोगियों के बच्चों के विकास और उत्थान के लिए जो विद्यालय चल रहा था, उस विद्यालय में छात्रावास के निर्माण में अपनी सांसद निधि की एक बड़ी धनराशि का उपयोग करने का मुझे अवसर मिला। मैं जब इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि गंगा की पवित्रता, निर्मलता और अविरलता सदैव मेरे जीवन में मार्गदर्शन व प्रेरणा के प्रमुख स्रोत रहे और आगे भी बने रहेंगे। वस्तुतः हमारे जीवन मूल्यों में गंगा की पवित्रता का अर्थ है कि हम मन, वचन और कर्म से शुद्ध बने। गंगा की निर्मलता का अभिप्राय है कि हम निर्मल हृदय के साथ हम सब लोग जीवन बिताएं, और गंगा की अविरलता का तात्पर्य है कि बिना रुके हुए अपने जीवन पथ पर हम सतत आगे बढ़ते रहें। गंगा से जुड़ा ये संदेश पूरी मानवता के कल्याण के लिए है। देवी और सज्जनों,
गंगा को केवल सिर्फ गंगा को केवल सिर्फ एक नदी के रूप में देखना पर्याप्त नहीं। गंगा भारतीय संस्कृति की जीवन धारा है तथा अध्यात्म और आस्था की संवाहिका है। हमारे देश में ऐसी मान्यता है कि भारत की सभी नदियों में गंगा का अंश है। गंगा के प्रति अनुराग देश के उत्तर से दक्षिण व पूरब से पश्चिम तक हर जगह प्राप्त है। अनेक श्रद्धालु भारत से गंगा जल ले जाकर विदेश की नदियों में प्रवाहित करते हैं और इस प्रकार उन नदियों को भी अपनी आस्था से जोड़ लेते हैं। इतना ही नहीं, आस्थावान लोग तो अन्य देशों की नदियों में भी गंगा का ही रूप देखते हैं। मुझे याद है कि मैं अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान मुझे वहां बसे भारतवासियों ने गंगा तालाब का दर्शन कराया। संभवतः आप लोगों में से भी किसी को जाने का अवसर मिला होगा। ऐसा लगता है कि हमारे देशवासी जहां भी जाते हैं वो अपने हृदय में गंगा को लेकर जाते हैं और वहां किसी न किसी रूप में स्थापित कर देते हैं। लेकिन गंगा की पवित्रता और गंगा की महत्ता यहीं समाप्त नहीं होती। हम भारतवासियों के लिए गंगा का इतना महत्व है कि यदि व्यक्ति डेथ बेड पर जब जाता है तो उसकी भी एक अंतिम इच्छा होती है कि गंगा जल की एक बूंद यदि हमें मिल जाए, मेरी जीवा पर पड़ जाए, तो शायद मैं सीधे स्वर्ग जाऊंगा। एक कल्पना, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, उसकी सच्चाई और उसके। लेकिन ये जो श्रद्धा है गंगा के प्रति वो इसको दर्शाती है। इस प्रकार गंगा ने भारतवासियों को विश्व के कोने कोने में मातृभूमि के साथ साथ देश की संस्कृति और परंपरा के साथ जोड़ दिया और ऐसे जोड़ा है कि जीवन जब प्रारंभ होता है तब से और जीवन का जब अंत होता है तब तक। वस्तुतः गंगा भारतवासियों की पहचान है। कई पहचान हैं, उनमें प्रमुख पहचान का जो एक संवाहिका है वो है गंगा, और ये जन भावना ही लोकप्रिय गीत में समाहित है और परिलक्षित भी होती है। उसको उन्होंने कहा भी है अपनी पहचान के लिए, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। एक गंगा का एक जीवन में आपके हर किसी के जीवन में एक ऐसा लगता है कि गंगा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई भी स्वरूप हो वो गंगा से हमारा जुड़ाव दिखता ही है। और कुछ नहीं होगा, एक यदि मिलते जुलते भी पारस्परिक चिंतन मनन में भी यदि गंगा का नाम आता है तो लोगों को मैंने देखा है इतनी श्रद्धा के कारण वो इस प्रकार से नमस्कार। गंगा के लगाव ये केवल एक विशेष समुदाय या विशेष संप्रदाय के लोगों के साथ नहीं जुड़ा, हर भारतवासी के साथ जुड़ा, यही विशेषता है। मुझे वह बताया गया, एक उल्लेख मुझे बताया गया कि गंगा के लगाव के अद्भुत उदाहरण बिस्मिल्ला खान साहब के संस्मरणों में पाए जाते। उनसे कई संगीत प्रेमी उन्हें मुंबई में बसने का अनुरोध किया करते थे। बहुत बड़े कलाकार थे, विश्व विख्यात। जब मुंबई में अपना प्रदर्शन करते थे तो वहाँ पर भी हमारे उत्तर भारतीय बहुत सारे लोग हैं तो उनको आग्रह करते थे कि खा साहब आप मुंबई में बस जाइए। तो उनका उत्तर क्या था, मैं यहाँ तो बस जाऊँगा, मुझे आप वाराणसी से मुंबई तो ले जाओगे
लेकिन मुंबई में गंगा कहाँ से लाओगे? एक ये जो प्रश्न अपने शुभ चिंतकों को जो संकेत देते थे उसमें वास्तविकता निहित थी कि गंगा का क्या अर्थ है, गंगा का क्या महत्व है इस देश के हर भारतवासी के लिए। देवी और सज्जनों, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र देश के 11 राज्यों में फैला हुआ है और इसे गंगा रिवर बेसन का नाम भी दिया गया। एक आकलन के अनुसार इस क्षेत्र में देश की 43% जनसंख्या निवास करती है। यह सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र भी गंगा रिवर बेसन की सभ्यता को जलीय सभ्यता भी कहा जा सकता है। गंगा जल सचमुच में जीवन जल है, इसीलिए गंगा रिवर बेसिन में जल संरक्षण करना तथा बाढ़ व कटान को कम करना दोनों ही जरूरी है। इन दोनों उद्देश्यों के साथ गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण के संरक्षण का लक्ष्य भी जुड़ा हुआ। गंगा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सन 2015 में नमामि गंगे नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की। मुझे संतोष है कि सरकार द्वारा किए गए इस मिशन के अच्छे परिणाम दिखाई देने लगे, लेकिन अभी हमने लक्ष्य हासिल नहीं किया। गंगा को निर्मल बनाने के लिए ऋषिकेश से गंगा सागर तक बड़ी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री और वाराणसी के हमारे सांसद प्रतिनिधि श्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा की स्वच्छता और काशी के वैभव को बढ़ाने का बीड़ा उठाया तथा इस दिशा में भागीरथ प्रयास भी किया। आप सबको याद होगा कि 80 घाट की सफाई करने के लिए प्रधानमंत्री ने स्वयं फावड़ा चलाकर घाटों को स्वच्छ बनाने के अभियान की शुरुआत की थी। ऐसा हमने विश्व में कहीं कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा होगा और ना इस देश में कोई प्रधानमंत्री देखा। मुझे बताया गया है कि बनारस के घाट अब तुलनात्मक दृष्टि से काफ़ी साफ सुथरे हैं। गंगा नदी व घाटों तथा बनारस शहर में स्वच्छता पर जोर देने के कारण न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिला है बल्कि पर्यटकों के लिए बनारस की यात्रा और अधिक आनंददायक हो गई है। महात्मा गांधी को सन 1916 की बनारस की अपनी यात्रा के दौरान विश्वनाथ मंदिर की सकरी और गंदी गलियों को देखकर बहुत कष्ट हुआ था। वे इस बात से भी क्षुब्ध थे कि गंगा के किनारे बसे शहरों की सारी गंदगी गंगा में प्रवाहित की जाती थी। मेरा भी अनुभव है कि जहां मैं पला बढ़ा उस कानपुर शहर का औद्योगिक कचरा भी गंगा में बहाया जाता था, दशकों तक ये होता रहा। मुझे अब ये जानकर प्रसन्नता होती है कि कानपुर की ट्रेनरी व सीवेज से निकलने वाले प्रदूषित जल को साफ करने और शहर के कूड़े कचरे के समुचित निस्तारण पर तेजी से काम किया जा रहा है। देवी और सज्जनों, इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के नए स्वरूप एवं आसपास के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को भी देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। जैसा कि मैंने कहा था, विश्वनाथ मंदिर की सकरी गलियों और गंदी को देखकर गांधी जी व्यथित हो गए थे, अब परिस्थिति बदल रही है। निकट भविष्य में ही मंदिर का एक भव्य स्वरूप देशवासियों के सामने होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर तथा आसपास के परिसर का ये नया स्वरूप रानी अहिल्याबाई होलकर और महात्मा गांधी की आशाओं के अनुरूप होगा। काशी का ये बदलता स्वरूप अपनी पुरातनता को भी संजोए हुए, परंतु पुरातनता का मतलब जड़ता नहीं है। किसी भी देश व समाज की जड़ता उसके लक्ष्य और पतन का कारण बनती है। इसीलिए बनारस के लोगों से मेरा आग्रह है कि पुरातनता और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करें। हमारी परंपरा में एक सूक्ति है, चलति एकेन पादेन तिष्ठति एकेन बुद्धिमानन, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति का एक पैर आगे बढ़ता है और दूसरा पैर जमीन पर रहता है। आगे बढ़ा हुआ पैर आधुनिकता का है तथा जमीन पर टिका हुआ पैर हमारी परंपरा
और प्राचीनता का है। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए परंपरा और आधुनिकता के बीच सामंजस्य का होना अनिवार्य है। यही सामंजस्य सस्टेनेबल डेवलप के लिए भी जरूरी है। गंगा को स्वच्छ रखना, पर्यावरण का संरक्षण करना और हमारी संस्कृति और धरोहर को समृद्ध बनाना केवल सरकारों का काम नहीं है, बल्कि सभी देशवासियों का सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्व भी है। इस सोच को देशव्यापी स्तर पर अपनाने और आत्मसात करने की जरूरत है। यह प्रसन्नता की बात है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अनेक संगठनों, विभिन्न कार्य क्षेत्र के लोगों, विशेषकर मीडिया कर्मियों ने तथा गंगा के किनारे बसे ग्रामवासियों ने गंगा की स्वच्छता के लिए सराहनीय योगदान दिया है। देवियों और सज्जनों, बनारस में अध्यात्म, साहित्य और संगीत का अद्भुत संगम रहा है। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले इसी क्षेत्र में स्थित सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश दिया था। आदि शंकराचार्य को काशी में ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ था कि सभी प्राणियों में एक ही ब्रह्म व्याप्त है। इसी काशी में संत रविदास और संत कबीर से लेकर गोस्वामी तुलसीदास तक की परंपरा ने साहित्य और अध्यात्म को विशालता दी, रूढ़िवादी का विरोध किया तथा ज्ञान, समता और सौहार्द का प्रकाश फैलाया। यहाँ के समरस समाज के ताने बाने को यहाँ के मल्लाह, बुनकर और साधु संत विशेष स्वरूप प्रदान करते रहे। काशी देश के सर्वाधिक भारत रत्नों की जन्मस्थली व कर्मभूमि भी रही है। लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भगवान दास, उस्ताद बिस्मिल्ला खां और पंडित रविशंकर बनारस में पैदा हुए और यहीं उन्होंने अपनी प्रतिभा को तराशा। इनके अलावा महामना मदन मोहन मालवीय ने बनारस को ही अपनी मुख्य कर्मस्थली बनाया। इस तरह आपके इस शहर के 5 भारत रत्नों ने उत्कृष्टता और राष्ट्र सेवा के अद्भुत प्रतिमान स्थापित किए और जिसका हम सभी जो वाराणसी निवासी हैं हम सबको गौरव होना चाहिए। देवी और सज्जनों, हमारे देश के एक बहुत बड़े भाग में पर्यावरण और संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन तभी हो सकता है जब गंगा की धारा अविरल व निर्मल बनी रहे। संत कबीर ने भी कहा था कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, उसकी तुलना उन्होंने की थी। यानी गंगा जल को ही निर्मलता की सबसे बड़ी कसौटी माना जाता था। संत रविदास भी पावन गंगा को ही मन की निर्मलता का आदर्श मानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पिछली पीढ़ियों के लोग काशी में गंगा स्नान करने से पहले घर से स्नान करके जाते थे ताकि गंगा मैली न हो। इसीलिए आज हम सबका दायित्व बन जाता है कि गंगा को एक बार फिर निर्मलता के उस स्तर पर ले जाएं जिसका विवरण हम संत कबीर, संत रविदास तथा प्राचीन काल के ऋषि और मुनियों की वाणी में पाते हैं। उसी स्तर की स्वच्छता को प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर नमामि गंगे तथा अन्य अभियान चलाए जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, देश के एक प्रमुख समाचार पत्र समूह द्वारा आयोजित इस फोरम में पत्रकारिता का उल्लेख सहज भी है और प्रासंगिक भी। देश में पत्रकारिता के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट होता है कि सन 1920 के बाद भारतीय पत्रकारिता पर गांधी जी का गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी स्वयं भी पत्रकार थे। गांधी जी के समकालीन पत्रकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराडकर और मुंशी प्रेमचंद जैसे संपादक थे। काशी में सक्रिय रहे बाबूराव विष्णु पराडकर जैसे विभूतियों ने भारत की पत्रकारिता को नए आयाम दिए। उन्होंने राष्ट्रपति, संसद और संविधान जैसे नए शब्दों से हिंदी को समृद्ध किया। उनके समय में पत्रकारिता का स्तर इतना ऊंचा था कि उसे साहित्य का ही अंग माना जाता था। उस पीढ़ी की पत्रकारिता के आधार में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उत्थान की भावना थी। उन सभी ने भारतीयता पर बहुत बल दिया था। गांधी जी ने सन 1919 में यंग इंडिया में लिखा था, मैं कोट करता हूँ, कि देसी भाषाओं के अखबारों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जाती है। मुझे यह सोचकर गर्व का अनुभव होता है कि किसानों और मजदूरों के बीच मेरे पत्र के इतने अधिक पाठक हैं। भारत की आबादी के 90% लोग इसी वर्ग के हैं।
अंग्रेजी पत्र पत्रिकाएं तो भारत की विशाल आबादी के इस अगाध सागर का एक तट भर भी छू पाते, अनकोट। गांधी जी के इन विचारों के परिप्रेक्ष्य में दैनिक जागरण सहित भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों की बढ़ती लोकप्रियता बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न आकलनों के अनुसार आज देश में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्र भारतीय भाषाओं में छपते हैं और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र। साथ ही समाज और देश के प्रति आप सबकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। देवी और सज्जनों, इस फोरम के जरिए सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और उन मुद्दों पर समाज को जिम्मेदारी का एहसास कराने का दैनिक जागरण समूह का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। मुझे विश्वास है कि इस आयोजन में होने वाले विचार विमर्श से गंगा, पर्यावरण और संस्कृति के पारस्परिक संबंध के विषय में सजगता तथा सक्रियता बढ़ेगी। मैं आशा करता हूँ कि चर्चाओं की यह श्रृंखला गंगा को स्वच्छ, पर्यावरण को बेहतर एवं संस्कृति को समृद्ध बनाने में बहुत सार्थक और उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपके आत्मिक और विद्वतापूर्ण उद्बोधन के लिए। अब जागरण पब्लिक स्कूल के छात्रों द्वारा राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल।